इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। Assalamu alaikum Pakistan. Oh my god. Ji haan, welcome to my show. Oh my god. This is your host Mathira. So yes, aaj hamare saath hai the woman who did it all and very nicely and we love her for that. The one and only Saba ji. Assalamu alaikum ji. Wa alaikum assalam. You are looking beautiful. Thank you so much. Reflection bhi to aata hai. आपके साथ बैठी हूँ तो ऐसे चुटकले भी होंगे, मजे मजे की बातें भी होंगी। टुडे वी आर गोइंग टू बी, एक होता है ना कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड, वो एक मस्ट होता है। हमने बड़ा प्रिटेंड कर लिया जी, वो सवाल भी आपने बड़े सुन लिए होंगे। तो आप कब पैदा हुई थी, तो कैसे पैदा नहीं मतीरा, मैं कहती हूँ हम लोग हर वक्त ड्रामों में फेक होते हैं, हम नहीं होते। मैं सबा नहीं होती, मैं कैरेक्टर होती हूँ। तो हम लोगों ने हमेशा वहां पर एक कैरेक्टर प्ले करना होता है। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स में भी आकर अगर हम सच्ची बात ना करें तो हम तो फिर बहुत ही मुनाफिक ही हो गए ना। सही बात, प्रोग्राम्स में आने के बाद तो सच्ची सच्ची बातें करनी चाहिए और मैं हमेशा सच्ची बात करती हूँ। एब्सोल्युटली, सो यस काइंडली ये दिमाग में रखें, कैरेक्टर्स प्ले करें लेकिन अपना कैरेक्टर रखे और उस कैरेक्टर को सच्चा रखे, लूज कैरेक्टर नहीं रखे। सो ये भी एक चीज होती है जनाब। आई वुड लाइक टू से मैंने इनका बागी देखा एंड इट वाज एक, मैंने हमेशा सावर जी को देखा है कि वो जो पॉश होती हैं शी इज रियली देयर, लाइक यू नो आप बोलते हो कि यस ये बंदी तो यू नो शी इज पॉश, लेकिन जब वो एक विलेन या बागी आपको गुस्सा आ जाता है, आप बोलते हैं यार ये क्यों ऐसे कर रही है। तो आप मुझे बताएं वो आपने इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स किए और फिर कुछ कैरेक्टर्स बड़े चैलेंजिंग भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो अवाम उस नेगेटिविटी को बिठा लेती है अंदर, कुछ अवाम होती है ना। जब मैं देखा करती थी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को फिल्मों में तो मैं कहती थी नवा आए हैं सोने आ, और जितनी फिल्में देखती थी मैं कहती थी तो विलन है ना? जब उनके साथ मैंने काम किया तो मैं उनके साथ सोफे पर भी नहीं बैठती थी, मैं दूर दूर रहती थी। मैं कहती थी तो नेगेटिव हो गई तो विलन है। लेकिन जब मैं उनसे मिली, मैंने बात की और फिर कुछ दिन गुजर गए हमारी शूटिंग को, तब मुझे पता चला वो तो एक कैरेक्टर था। तो इतने प्यारे, इतने नाइस, इतने हम्बल इंसान है। तो ये जो एक इमेज बन जाता है ना वो दिमागों से निकलता नहीं है अंटिल अनलेस कि आपको कुछ खुद से एक्सपीरियंस ना करें। हाँ, ये भी है। लेकिन मेरा इमेज मेरे ख्याल में वो नहीं बना। मैंने नेगेटिव भी बहुत किए, मैंने पॉजिटिव भी बहुत किए, और दोनों ही बहुत ही एक डंगे चोर, चोर पर, यू नो वेरी वेरी नाइस, और गरीबों वाले भी बहुत किए और लेविश कैरेक्टर भी बहुत किए। तो मुझे मेरे ख्याल में मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे हर तरह, हर रोल में, हर कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर चुकी है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने बोला यार ये कैरेक्टर मैंने करके कुछ सीखा, एक होता है ना हम सीखते हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो आपने बोला दूर फिटे मुंह जिंदगी की गलती, यू नो बहुत कैरेक्टर ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं दूर फिटे मुंह जिंदगी की गलती। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं हम सोच रहे होते हैं, लेकिन जब वो ऑनियर आते हैं लोगों ने कहा इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी रेटिंग आई उसकी, क्योंकि हमारी अवाम जो देखने वाली है ना वो यही देखना चाहती है, सास बहू, सास पर जुल्म हो रहा है या बहू पर जुल्म हो रहा है। जी बताएं, लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन यू स्टार्टेड ऑफ एज अ न्यूज़कास्टर, हाउ वाज दैट जर्नी, ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल में सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, क्योंकि जो एक न्यूज़कास्टर होती है वो बड़े एक You know, completely, डिब्बे में बंद, डिब्बे में बंद, चाहे वो खबर जितनी भी डरावनी हो उनको एक ही मुंह के साथ देनी है, जितनी भी बड़ी हो। तो मैंने उस जमाने में मतीरा खबरें पढ़ी जो कि गवर्नमेंट की कही और सुनी जाती थी, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। खुशी की खबर है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, गम की खबर है तो आप दुखी ना हो, बस आप एक रोबोट हैं, आप बस खबर पढ़ दें। उस जमाने में मैंने पढ़ी। खैर वो तो बड़ा वो जो कॉल नेक्स्ट लेवल जमाना होता, क्योंकि अभी तो काफी, उस वक्त तो गलती का कोई एक जगह भी नहीं होती थी ना, इम्कान नहीं होता था, सब लाइव लाइव जा रहा होता था, नो डिले नथिंग, नो गलती हो गई तो 15 दिन के लिए वो कहते थे घर बैठ दें, रोस्टर नहीं आता था, आपका नाम नहीं आता था, 15 दिन आप घर पर बैठे रहे। अरे और उर्दू परफेक्ट होनी चाहिए, उर्दू में गलती आई तो वो फिर उसकी भी सजा होती थी। आजकल तो मैं जब
न्यूज़कास्टर्स की उर्दू सुनती हूँ तो मैं बड़ी परेशान होती हूँ, मैं कान बंद कर लेती हूँ। हाँ, कुछ तो न्यूज़कास्टर्स मुझे याद है, वो एक न्यूज़कास्टर कुछ बता रही थी, फारूक सितार जी लंदन जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लंदन कुछ अलग ही पढ़ लिया था, वो कुछ और ही निकल आया था उनके मुंह से। और हालांकि ये लाइव नहीं होती, इट इज रिकॉर्डेड, हमारी लाइव होती थी। ओके जी, वन वर्ड आप इन जनाब के बारे में कोई भी वन वर्ड बोल दे। आबिद अली, ग्रेट ह्यूमन बींग, एब्सोल्युटली। हिना दिल पजीर, ह्यूमर बहुत एक्सीलेंट, शी इज जस्ट टू गुड, वो हर कैरेक्टर उनके अंदर एक माशाल्लाह निकल आता है। बुशरापा, वेरी टैलेंटेड। इमरान अब्बास, इमरान अब्बास मेरी जान, इंसान बहुत अच्छा है, वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहती हूँ कि मेरे मुझे ड्रामों में ले, अगर तो जावेद शेख हैं तो मुझे आप दिखाएं ऐसा कि मेरा शौहर जिंदा है, वरना मुझे बेवा दिखा दें, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि जावेद शेख के लिए इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकती। यार बड़ी अच्छी बात आपने बोली है शेख साहब, सुन रहे हो जी। शेख साहब इंसान कितने प्यारे हैं। टिकटॉक, हाँ टिकटॉक पर मैं कभी भी नहीं थी, अभी एक महीने से आई हूँ, प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। खैर मुझे एक बात बताएं, इतने ज्यादा यू नो कंट्रोवर्सीज में भी बीच में आप पड़ी थी, मैं मानी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी हमने मिटा दे। तो लोग आपको, एक होता है ना हर बंदा एक कीबोर्ड वॉरियर चल रहा था, सो उन लोगों को आप क्या बोलोगे जो आपकी जाती जिंदगी में घुस घुस कर फजूल में जो नहीं भी है ना वो भी दिमाग में डाल रहे होते खुरेफात। वैसे मदीरा, इसमें मैं समझती हूँ मेरी अपनी बहुत गलती है, चूंकि मेरी फैमिली पूरी का ताल्लुक शोबिज से है, तो ढकी छुपी फैमिली नहीं है, मेरे दोनों बेटे भी काम करते हैं, मेरी बेटी भी काम करती है, मैं भी काम करती हूँ, और हस्बैंड का इतना जिक्र होता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए लोग ना बहुत हर बात के अंदर घुस जाने वाले लोग, क्योंकि मैं अपने इंस्टा पर स्टोरीज लगा रही हूँ, बच्चों की भी लगा रही हूँ, बहू से किसी ने पूछ लिया, सवाल किया कि आपके शौहर नजर नहीं आ रहे, उसने बेचारी ने कह दिया कि वो ये तो आप उन्हीं से पूछें, बस ये कहा, और लोगों ने ज्यूम करना शुरू कर दिया, तो लड़ाई हो गई, ये तो बात तलाक तक पहुंच गई, और ये सबा फैसल ने सब करवाया। But don't you think एक fact जो एक है, like हर रिश्ते में लड़ाई होती है। हाँ, I believe माँ बेटी में मेरी माँ की इतनी लड़ाइयाँ होती है, I believe तीन में हम तीन दफा तो लड़ते हैं। बिल्कुल, तो लड़ना तो इट्स एक्चुअली पॉजिटिव। जो लोग आपके साथ सुपर मीठे होते हैं ना, वो फिर आपको कब्र में छोड़ के काट रहे होते हैं। वो कब्र में ही बोलते हैं जी अल्लाह हाफिज जी, इसी तरह। तो इतना मीठा हंस अच्छी बात नहीं है। ऑन स्क्रीन किसके साथ अच्छा लगा काम कर, किसने आपको, एक होता है ना लोग नाक में दम कर देते हैं, तो कुछ लोग फूल कर देते हैं, क्या हुआ है, मतलब नाम नहीं बताया, अगर आपको नाम नहीं बताया। हाँ, नहीं तो? मुझे अच्छा हमेशा लगता है, हिरा मानी मेरी जान है, आयजा मेरी जान है, यमुना मेरी जान है, एमन मिनाल उनके साथ बहुत प्यार है, इकरा के साथ मैंने एक ही प्ले किया था, रकीब से, उसका एक अपना स्टाइल है, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है, मोमल बहुत अच्छी है, सना जावेद, हाँ मैंने बिल्कुल काम किया शुरू में, बल्कि सना ने मेरे साथ ही काम किया, और आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसका हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। ओके, आर्टिस्ट बेशक पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कुछ जातियात भी तो है ना। हाँ, तो इस तरह मुझे नहीं लगता, अगर पता नहीं अब सना ने किस अंदाज में बात की होगी, क्या कंट्रोवर्सी बन गई, हमारे मीडिया को ठीक है भाई, हम औरतों का भाई देखें, चंद टाइम आते हैं जब गुते होते हैं, देखें जब हुस्न आता है ना तो नखरे आ ही जाते हैं, एक बंदा कहीं बैठा हुआ है कि उसकी एक जगह है, हाँ। तो भाई उस जगह की भी तो कुछ डिमांड्स है ना, अगर कोई उसके मुताबिक चल रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ कोई, ऑफ कोर्स वो एक जवानी वाला टाइम पीक, यू बीन जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड माशाल्लाह, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या, यू मेंटेन्ड इट, यू नहीं हुआ एंड कम्प्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं गया। एक होता है ना कुछ लोग बोलते यार इतने सालों बाद तुम कहाँ थी, वो वाला सीन नहीं, वी बीन सीइंग यू बैक टू बैक एंड दैट इज वेरी नाइस। मेंटेन कैसे करते हो, कभी कोई आशिक पीछे पड़ा हुआ,
पुराने जमाने में अभी भी आशिक पीछे पड़ सकते हैं। अपने तौर पर बड़े आशिक होंगे जिनका मुझे नहीं पता। नहीं पर ऐसा होता है ना कि मैं मुझे शादी कर लो, शादी से पहले वाली कहानी। एक्चुअली जब मैं टीवी पर खबरें पढ़ रही थी तो तब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मेरे दिलो दिमाग पर फैसल थे तो मेरे नजर में कोई जज नहीं सकता था। और जब मैं ड्रामों में आई तो मेरे तीन बच्चे थे तब तो बिल्कुल नहीं कोई जज सकता था। खैर अभी हम खेलेंगे रैपिड फायर, ठीक है? ड्रामा या फिल्म? ड्रामा डेफिनेटली। न्यूज एंकरिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। हम सफर या प्यारे अफजल? हम सफर से मैंने स्टार्ट किया था अपना एक नया स्टाइल जो बिल्कुल एक बीमार, तो दोनों हैं वैसे तो, लेकिन स्टार्ट क्योंकि हम सफर से किया। रंगरेजा या काफ से कंगना? रंगरेजा एक ऐसी फिल्म थी, अमेरिका गई मैं मेरी फ्रेंड और ये हमने उन सबसे कहा कि एक फिल्म है जिसमें मैं भी और सीनी पाशा भी, सारे घर वाले बैठ गए देखने और वो रंगरेजा थी। वो जब चलनी शुरू हुई तो मैं सीमी को कहूँ सीमी उठे चलने तो शर्मिंदगी है शर्मिंदगी। वो इतनी बुरी मूवी, वो इतनी बुरी मूवी थी लिहाजा मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं खैर कोई पानी। लव मैरिज या अरेंज? लव अरेंज। लव और अरेंज पहले आप पसंद कर लें और फिर। खैर आप बताओ ये जो सर्जन की एक कॉन्ट्रोवर्सी एकदम से जो चल रही है, अब लोग इस चीज पर भी आ गए कि यू नो उसने चीट किया ये क्या, आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? किसी का दुख वैसे ही चल रहा होता है उसको पूरे दो। यही बात मैं कहने वाली थी कि हमारे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं ना तो हर दूसरी खबर सजर और आहत की। वो इस वक्त पता नहीं सबूर की शादी में भी उसकी शादी को साइड करके इसी को ही हाईलाइट किस ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे दोनों फैमिलीज। आप छोड़ दो भाई उनकी जान छोड़ दो, अब पता चल गया कि डिवोर्स हो गई है अब छोड़ दे तो छोड़ दे भाई। हमने दिमाग में बना लिया है कि एक मदर इन लॉ खड़ूस होती है तो ये तो कभी ऐसे हुआ है आपकी डॉटर इन लॉ थोड़ी डरी भी हो कुछ, आपने कैसे वो एक चीज एक होता है वो चीज को हटाया? मतीरा आजकल की लड़कियां वैसे डरने वालों में से तो है नहीं। ना करो, डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ गलत करेंगी तो डरेंगी ना। नहीं पर आगे लेकिन आजकल लड़कियां अपने राइट के लिए बोलती हैं, हमारे जमाने में नहीं बोला जाता था। मुझे तो लगता था मॉडर्न लड़कियां बड़ी दबती है। मैंने जब पहली दफा बात की मेरी सास से मैं उनके सामने कुछ बोल ही ना पा। एक होता है ना कि यार बेग तो हम मॉडर्न है और सबको लगता है मैं तो ऐसी सास होंगी ना खड़ूस सी जैसी ड्रामों में, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। एक डायलॉग है जाओ जहन्नम में, ये क्या था मतलब? अच्छा वो कंट्रोवर्सी। यस तो हाउ डू यू डील विद ट्रॉल्स? लिखती है वापस या क्या चीज करते? कभी नहीं लिखा लेकिन इतना बुरा बुरा लिखा जा रहा था पता नहीं क्यों इतना बुरा बुरा लिखा वही बहू के उसमें, तो मैंने एक को सिर्फ जवाब दिया मैंने कहा तुम जाओ जहन्नम में। वैसे आपस की बातें क्यों लिखते हो आप? इन लोगों को पता है क्या होता है आपके अपने घर के कितने मसले मसाइल होंगे जिनके घर के नहीं भी है, आप उनको रियलाइज करवा रहे हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। वैसे एक बात बताओ तुम बॉलीवुड जा रहे हो? बस देखते जाए मैं कहाँ जा रही हूँ। अनुराग कश्यप के साथ? वेरी नाइस। नहीं नहीं बताएं। नहीं एक्चुअली हम लोग अपनी एक कमर्शियल के सिलसिले में गए हुए थे उष्णा और आप उसमें और वो और वहाँ हमारी मुलाकात आपको पता है वहाँ सारी दुनिया से लोग आए होते हैं तो उनसे हमारी मुलाकात हुई हमारी सिटिंग्स हुई और हमने बड़ा कुछ लर्न किया। वो लोग सिखाते हैं और वो क्या हम्बल और अच्छे लोग हैं और अल्लाह करे वो भी हमारे बारे में ऐसे कहते हो कि क्या अच्छे और हम्बल लोग हैं और कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो एक चीज हमारे आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती? हाँ पर हमारे जो इंडस्ट्री में एक जो फ्लॉ है सबसे बिगेस्ट फ्लॉ, हम एक आर्टिस्ट को मानते नहीं है जब तक वो इंडिया ना हाथ लगा कर आ जाए। हमारे कॉमेडियन इतने जबरदस्त दुनिया के बेस्ट हैं हमारे, लेकिन जब वो इंडिया से आए तो उनको बड़ी इज्जत मिली, उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। ये मुझे भी समझ नहीं आया। इट्स वेरी सैड। आपको पता चले तो मुझे बताइए यार। जानू मैं तो यार मुझे कभी ऐसी ना चाहत रही ना ख्वाहिश रही कि मैं इंडिया जाकर काम करूं। सबर जी कौन है तीन लफ्जों में जो शायद लोग नहीं जानते? मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं अपने रिलेशंस के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं अपने बहन भाइयों के साथ भी,
और मैं इस काम को बराए काम लेती हूँ, मैंने सीढ़ी नहीं बनाया कभी भी इस काम को। अगर आप इमरान खान होती तो क्या करती? मैं वही करती जो इमरान खान कर रहे हैं अभी भी। मैं पॉलिटिकली बिल्कुल ना लायक हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान को पैसे की लालच नहीं है, वो दूसरों के साथ दूसरों के लिए कर सकता है, उसको नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि उसने पैसा देखा है बहुत। अब मुझे नहीं पता कि इसमें लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि एक बंदा सिर्फ मुल्क के लिए करना चाह रहा है, उसको मौका नहीं मिला। अगर किसी को मशवरा देना है तो वो क्या होगा? अतीका आपा, मैं यही कहूंगी कि आप अपनी खूबसूरती का और ख्याल रखें। साजिद हसन, बहुत अच्छे इंसान है और उनका भी जो चुटकुलों वाला एक पहलू है ना, वो बहुत जबरदस्त। सानिया सईद, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत अच्छी। सजल अली, सजल हमारी आंखें बहुत प्यारी हैं, इन्हें किसी दुखों की ना बस भेंट ना चढ़ने देना। एब्सोल्युटली। जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा को आजकल देखना शुरू हुई हूँ मैं। Okay. प्यारी है, अच्छी है, ठीक है। Okay. राबी पीरज़ादा, पास। हरीम शाह, पास। हदीका कियानी, हदीका कियानी जान है मेरी। हदीका ने मेरे साथ स्टार्ट किया रकीब से में, और इतनी अच्छी एक्टिंग की, और वो गाड़ी में जाते हुए हर रोज मुझे पूछती थी, पता नहीं सबा जी मैंने ये सही किया है, ये मोड़ लिया है मैंने, मैंने एक्टिंग में आई मुझे कर। मैंने कहा हदीका आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, और हदीका आपको पता है ना मैंने जो कहा था वो हो रहा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर। चले, अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? ठीक है, रुबीना अशरफ जी, बहुत वो होती डोमिनेटिंग किस्म की कोई पुलिस ऑफिसर। ओके जी, लैला ज़ुबैरी, बस बड़ी प्यारी सी कोई हाउस वाइफ, स्वीट सी। और सबा हमीद, सबा हमीद डिक्टेटर होती, आर्मी में होती ना, आर्मी में होती, क्योंकि उनके फैसले, उनकी बातें बड़ी, और मेरी बहुत फेवरेट है सबा। अहसन खान, वो इंसान ही बहुत अच्छा है, बस यानी से गुड्डा, माय मदर कॉल्स हिम गुड्डा, यू नो, चलता फिरता गुड्डा, प्यारा इंसान है, प्यारा, मेरा बहुत टाइम गुजरा है। इमरान अशरफ, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अंडररेटेड था, लेकिन अब उसने काम ज्यादा शुरू किया और मैं बहुत खुश हूँ। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी बहुत प्यारा इंसान। दानिश तैमूर, दोनों मियां बीवी मेरे मोस्ट फेवरेट। हाँ, दे आर वेरी नाइस, दोनों एक होता है ना, अगर पाकिस्तानी बार्बी और कैन होता तो वो ये दोनों माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने बुरी नजर से बचा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच समझी। ओह कितना मजा आया, बस ये था, यही था, यही था, यही था, हल्की फुल्की बातें की, लेकिन मैं वो वाली जबान है ना इधर रख दी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हमेशा होस्ट वो अच्छा लगता है, मैं हमेशा, हमारी मुनीजा हाशमी एक बड़ी प्यारी बात करती थी कि जवाब देने वाले से सवाल करने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने जो सवाल किया ना, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो जी जनाब, ये था हमारा आज का शो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, अल्लाह हाफिज़।